नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और हमारी जो स्टोरी अ फार्मर उसके पार्ट 3 में भी आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं उसके आगे के वाक्य। दे हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स व्हेन दे आर रेडी एंड सेल देम। ओके, यहाँ तक देखते हैं, माफ कीजिएगा। ओके, यहाँ तक देखते हैं। दे हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स मतलब जब उनकी फसल पक जाती है तो फिर उसकी कटाई कर लेते हैं। ओके, देयर क्रॉप्स मतलब उनके क्रॉप्स, उनकी फसल। व्हेन दे आर रेडी जब वो तैयार हो जाते हैं। एंड सेल देम टू फीड पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद वो उसे ले जाते हैं एंड सेल देम, फिर उसे बेच देते हैं टू फीड द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ताकि पूरी दुनिया इससे खाना खा सके और अपना पेट भर सके। ओके, वी शुड बी थैंकफुल टू फार्मर्स फॉर द फूड वी ईट एवरी डे। ओके, वी शुड बी थैंकफुल, हमें थैंक यू होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें आभार मानना चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि फार्मर्स की वजह से आज हम खाना खा पाते हैं। ओके, सो वी शुड बी थैंकफुल, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसीलिए शुड इस्तेमाल किया। थैंकफुल मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए टू फार्मर्स, ओके, किसानों को, फॉर द फूड वी ईट एवरी डे, कि हमारे घर में अगर रोज़ अनाज आ पाता है, हमारे घर में अगर हम रोज़ रोटी खा पाते हैं, तो उसकी वजह और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट और श्रेय जो है वो फार्मर्स को जाता है, उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। ओके, तो दोस्तों आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, या एक ऐसा वाक्य मुझे पूरी स्टोरी में से बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो आपको अच्छा लगा हो या जो आपके लिए आसान रहा हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।